ता चल रहा है, किस बारे में आप लोग? 2019 में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में हमने 2016 में पिटीशन दी थी कि जो व्हाट्सएप पे ईमेल पे जुबानी जो तलाक होते हैं उनको, तलाक के बिदत को ख़त्म किया जाए, बहु विवाह पे रोका हो और हलाला को रोका जाए, तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका और हम लोगों की जीत हुई। इसके बाद आदेश दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि भारत सरकार से कानून बनाए, तो भारत सरकार ने इसको कानून बनाया मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम। उस अधिनियम के हिसाब से हम लोग सोचते थे कि अब तलाक रुक जाएगा, लेकिन तलाक तो व्हाट्सएप और इंटरनेट और ईमेल और फ़ोन पे तो रुक गए, लेकिन अब तलाक दूसरे तरीके से देने लगे, मार पीट करके किसी न किसी बहाने बीवी को घर भेज देते हैं और फिर वहाँ से रजिस्ट्री उल्टी सीधी दारुल कज़ा के फतवे से भेज देते हैं। उस फतवे में, दारुल कज़ा के फतवे में कोई तलाक के सिग्नेचर और सिग्नेचर या साइन या हस्ताक्षर ना सही तरीके से होते हैं और ना काउंसलिंग होती है, और इसको कहते हैं तलाक एहसन। तलाक एहसन कुरान पाक में सिर्फ तलाक है और वही तलाक है, न तलाक बिदत, न तलाक एहसन, न तलाक कनाया, न तलाक बिदत, कोई तलाक की किस्म नहीं। सिर्फ तलाक है कि जब भी तुम लोग तलाक दो तो गवाहों के बीच में दो और उनको घर से बाहर मत निकालो, लेकिन शौहर घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने बच्चों का भी खर्चा नहीं देते हैं, तो औरत की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, पिता के घर से भी हो गई। तो आपने अर्जी क्या लगाई है कोर्ट में? हमने अर्जी यही लगाई है कि तलाक के जो कानून भारत सरकार ने बनाया था वो प्रभावी नहीं है, तलाक एहसन का दुरुपयोग हो रहा है और काउंसलिंग में पति आते नहीं है और उस पर काउंसलिंग नहीं होती है, बच्चे बाप के से महरूम होते हैं, ये तलाक वैलिड नहीं हुआ, ना कुरान के कानून के हिसाब से वैलिड हुआ, ना जो भारत सरकार ने बनाया भारत मुस्लिम विवाह महिला सुरक्षा अधिनियम उसके भी विरुद्ध है। तो इस तरह के तलाक वैलिड नहीं हुए, इनको पति पत्नी को दोनों को एक साथ रखा जाए ताकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें, उनका भविष्य सुरक्षित हो, वो शिक्षित हो और देश के बढ़िया और अच्छे नागरिक बने। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मैं अंबर हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेसिडेंट अध्यक्ष। अच्छा, धन्यवाद।